वैसे तो शुजालपुर नगर में दो बड़े बड़े सिविल हॉस्पिटल का निर्माण पूर्व में हो चुका है, लेकिन डॉक्टरों के अभाव में अब यहाँ पर सिर्फ मरीजों की चीखें ही सुनाई देती हैं। अब यहाँ पर सुनने वाला और समझने वाला कोई नहीं बचा है। आए दिन सिविल हॉस्पिटल से इलाज के लिए पहुंचे मरीज परेशान होते नजर आते हैं। रविवार की रात को भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब एक प्रसूता प्रसूति पीड़ा में डॉक्टरों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन महिला की गुहार सुनने वाला कोई नहीं था। आप कितने घंटे से खड़े हो यहाँ पे? डॉक्टर से बातचीत हुई आपसे? मात्र बस यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल के कर्मचारी मुझे कपड़ा से बनाई, वो तुम्हारे कारण कागज बनाते हैं ना, वो लंबे पाँव पे पाँव करके बैठे थे, मतलब वो पर्चे बनाने वाला। उससे पूछा कि डॉक्टर ने बोले चल जाओ, डिलीवरी हुई तो थोड़ा बोल सकती है, अरे आराम से वही प्यार से बोल दो, बताओ कि माँ पे बैठी उस केबिन के अंदर बैठी है कि 4 नंबर में, 10 नंबर में, 2 नंबर में, बोले तो कोई बताए नहीं। महल बनाकर क्या करोगे साहब, अगर उनमें कोई रहने वाला ही नहीं होगा। ये कहावत हम इसलिए कह रहे हैं कि सुजालपुर नगर में सिविल हॉस्पिटल के रूप में आप बड़े बड़े महल तो देख रहे हैं, लेकिन इन महलों में व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। आए दिन प्रसूताएँ अपनी पीड़ाएँ सुनाकर यहाँ से निराश होकर लौट रही है। आज भी कुछ ऐसा ही मामला आया है जिसमें प्रसूता ने यह पीड़ा व्यक्त की कि यहाँ पर संभालने वाला कोई नहीं है। आज यहाँ पर काफ़ी आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, लोग इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज रविवार है और ये जो गाड़ियां हैं, आज सिविल हॉस्पिटल हमारा जो करोड़ों रुपए की लागत से बना है, ये हॉस्पिटल वाहन पार्किंग के काम आ रहा है। चलो कहीं तो किसी का भला हो रहा है। आश्चर्य की बात है कि भवन है लेकिन डॉक्टर नहीं, मरीज है लेकिन उपचार करने वाला नहीं। सीधे सीधे कहें तो सुजानपुर नगर में बिगड़ती स्वास्थ्य सुविधा कहीं ना कहीं नगर के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए एक चिंता का विषय है। अब मध्य प्रदेश के लिए दीपक।